राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आरबी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ पिछले वीडियो में जो है हमारे साथियों ने ग्रुप में पोस्ट डाली थी कि जो है प्रेगनेंसी पर भी जो है एक वीडियो लेक्चर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो साथियों, आज हम जो है प्रेगनेंसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी कोई रोग नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जो हर स्त्री को जो है लगभग निभानी पड़ती है, मादा को निभाना पड़ता है। साथियों, उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइटरी एंड ईएस ट्रीटमेंट, यानी कि आहार के साथ जो है उपचार अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे मिराकल परिणाम हमें मिलते हैं। और ऐसा में लगभग 3 साल से कोविड ड्यूरेशन से जो है कोविड काल में हमने देखा है कि अगर हम उसकी अच्छी से डाइट उसको फॉलो करते हैं, उसको सजेशन देते हैं फॉलो करने का, तो रोगी जो है बहुत इजली जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस विषय पर हमने जो है एक आवश्यकता महसूस हुई कि डाइट एंड ट्रीटमेंट, इस पर एक पुस्तक लिखी जाए। तो हमारे बहुत से साथियों ने जो है इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है, सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अभी भी जो है हमारे पास केवल जो है 20 साथियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। और साथियों, जब से कम 200-250 से 250-300 से के बीच में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक जो है इस पर कार्य करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20 आदमियों के लिए तो ये बुक छपने वाली नहीं है। तो अगर हमारे पास हम 1 महीने वेट करते हैं, अगर सफिशियंट क्वांटिटी हमारे पास 250 से 300 आ जाती है, क्योंकि बाकी के तो बाद में जो है इतना हमारा खर्चा जो है उसका निकल आता है कि हम उसको थोड़ा सा प्रिंट करा सके, बाकी का तो फिर जो है छपने के बाद में भी जो है लोग फिर बोझ आ जाते हैं। जैसे हमारी न्यू एज बुक हुई तो हमारे जो है उस समय जो है कम से कम लगभग हमारे 200-250 के करीब जो है हमारी रजिस्ट्रेशन हुआ था इस बुक के लिए। तो हमने सोचा था कि कोई बात नहीं, 250 और आ जाएंगे। तो उसके बाद में हमने जो है इस बुक का जो है लेखन कार्य शुरू किया था, लेकिन अभी हमारे पास जो है क्वांटिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन की 20 है केवल, और 20 में तो जो है ये किताब नहीं लिखी जा सकती है। तो साथियों, यदि आपकी इच्छा है और आप लेना चाहते हैं और आपका ये विचार भी अगर सकारात्मक बनता है कि हाँ होना चाहिए डाइट और उपचार, इसका ये बुक होनी चाहिए, तो इस बुक के अंदर हम जो है ट्रीटमेंट तो लिखेंगे, जो वीडियो लेक्चर में है, जो न्यू इस बुक में है, उसमें ट्रीटमेंट तो हम लिखेंगे जो का तो, और उसके साथ साथ में फिर हम क्या डाइट फॉलो करनी है इसके बारे में जो है गाइड करेंगे, जिसे हम फिर अपने पेशेंट को जो है वो डाइट बता करके, डाइट फॉलो करवा करके जो है रोग को जल्दी जो है जड़ से समूल नष्ट कर सकते हैं। तो साथियों, उसमें देखो आपका ही फायदा है, आप डाइट फॉलो कराएंगे तो रोगी जल्दी ठीक होगा, और रोगी ठीक होगा तो आपका नाम होगा, और जब खुद ठीक होगा तो वो 2 आदमियों को और भेजेगा आपके पास में। तो इस कार्य में आप विलम्ब ना करें। जो साथी हमारे जिनके पास मैंने आईडियो पर्सनली आईडियो भेज दी है, वो सब साथी जो जितना जल्दी हो सके फटाफट जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो है वो प्रेगनेंसी पर जो है वीडियो लेक्चर है, प्रेगनेंसी सिचुएशन पर, अवस्था पर। प्रेगनेंसी किसे कहते हैं साथियों? प्रेगनेंसी जो है स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के होने की स्थिति को जो है प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। आमतौर पर जो है
मां बनने वाली स्त्री गर्भ में यह प्रक्रिया लगभग 9 माह तक, 9 मंथ तक जो है ये चलती है, जिसे गर्भवती महिला कहा जाता है। तो साथ ही कभी कभी संयोग से जो है एक या अधिक भ्रूण जो है गर्भाशय में बन जाते हैं, जिसे एक से अधिक संतानें, जुड़वा संतानें जो हैं पैदा हो जाती हैं। गर्भधारण प्रक्रिया में साथियों पुरुष के जो है सीमेन, सप्रम और स्त्री के ओआ यानी कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के जो है उनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तब जाकर के भ्रूण की स्थापना उसके अंदर होती है स्त्री के गर्भ के अंदर। और निश्चित समय आने पर जो है वही भ्रूण जो है एक बच्चे में कन्वर्ट होकर के जो है जन्म लेता है। 40 हफ्ते का समय प्रेगनेंसी का होता है। गर्भावस्था को साथियों हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले तिमाही की गर्भावस्था जो है गर्भाधान से लेकर के 12 सप्ताह तक, इसको प्रथम तिमाही की गर्भावस्था कहते हैं। इस अवस्था का जो गर्भधारण होता है वो बड़ा रिस्की होता है। इसमें जो है गर्भ के नष्ट होने की आशंका बहुत ज़्यादा प्रतिशत होती है। दूसरी तिमाही जो है साथियों वो 13 सप्ताह से लेकर के 28 सप्ताह के बीच की है। इसमें जो है गर्भवती स्त्री को बच्चे के पेट में होने की स्थिति एहसास होती है, उसको एहसास होता है कि उसके पेट में कोई मतलब जो है आंदोलन हो रहा है। और तीसरी जो तिमाही है साथियों वो 29 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह की मानी जाती है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु जो है चिकित्सा के द्वारा गर्भावस्था से बाहर भी 90% जो है जीवित रख सकता है। यह ऐसी स्थिति है। इससे जो पहले की 2 स्थितियां थी उसमें जीव गर्भस्थ शिशु को बाहर नहीं रखा जा सकता, बाहर पनपेगा नहीं, वो मर जाएगा और डेवलप नहीं होगा। लेकिन जो तीसरी अवस्था है 29 सप्ताह से लेकर के जो 40 सप्ताह के बीच की बताई है, इसको अगर माँ को किसी प्रकार का कोई रोग या ऐसा कोई भयानक रोग हो जाता है जिसे बच्चा गर्भ में सुरक्षित नहीं रह सकता, तो ऐसे में उसको गर्भ से निकाल करके बाहर जो है मशीनों के द्वारा रखा जाता है चिकित्सीय देखभाल में, और वो बच्चा जो है पूर्ण रूप से जीवित रहता है। तो साथियों इसके अतिरिक्त गर्भवती स्त्री को देखो पोषक तत्वों से युक्त जो है भोजन कराना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आयरन है और खनिज पदार्थ हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम, विटामिन इत्यादि जो हैं भरपूर जो है प्रचुर मात्रा में इनसे युक्त जो है भोज्य पदार्थों का सेवन गर्भ स्त्री को कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो फल फ्रूट्स वगैरह है, जूस वगैरह है, ज़्यादा मात्रा में सेवन कराएं और आवश्यक जो है वैक्सीनेशन वगैरह जो भी प्रोग्राम होते हैं वो वैक्सीनेशन भी जो है गर्भ स्त्री को समय समय पर लेने चाहिए, ताकि होने वाले बच्चे गर्भ के बाहर आने पर और गर्भ के अंदर दोनों स्थितियों में जो है बच्चा वो रोगों से जो है मुक्त रहे, रोगों से सुरक्षित रहे, रखा जा सके। तो साथ ही गर्भ स्त्री को जो है खराब पोषण युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान, शराब का सेवन इत्यादि जो है ऐसा पदार्थों का सेवन करने से उसको बचना चाहिए, इससे जो है गर्भ नष्ट हो सकता है। और दूसरा जो है किसी प्रकार के संक्रमण से भी उसको बचना चाहिए। और यूटेरियन के जो है यूटेरियस असामान्यता, कई बार जो है गर्भ छोटा रह जाता है, सामान्य से छोटा रह जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी जब भ्रूण का विकास होता है तो उस समय जो है गर्भ के नष्ट होने की चांस बन जाते हैं उसके अंदर। तो साथियों ऐसी चीज़ों से जो है रोगी को जो है स्त्री गर्भ स्त्री को पूर्ण रूप से जो है आराम करना चाहिए। और चिकित्सा जो है चेकअप के लिए हर मंथ जो है डॉक्टर के पास में उसको जाना चाहिए, ताकि इन चीज़ों से जो है होने वाले असामयिक नुकसान से उसको बचाया जा सके। और गर्भस्थ शिशु और गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों जो हैं स्वस्थ रहें। और इसके लिए साथियों हम ईएच में
क्या ट्रीटमेंट जो है उनको दे सकते हैं, जिसे बच्चा जच्चा दोनों के दोनों सुरक्षित रहें। तो हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है साथियों, जैसे पोषण मैंने बताया है, खान पान का साथ में देते हुए अगर हम C1 L1 A3 BE और WE, ये 5 मेडिसिन है साथियों, 10-10 बूंदे इसकी अगर हम D4 से मिला करके 30 ml में डाल करके 10 से 15 बूंदे रोगी को दिन में 3 बार दें, तो गर्भ स्त्री का बच्चा और स्त्री दोनों के दोनों, जच्चा बच्चा दोनों के दोनों सुरक्षित सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था, आपको कैसा लगा, क्योंकि ये आपकी ही जो है रिक्वेस्ट पर हमने जो आज इस गर्भावस्था को यानी प्रेगनेंसी को लिया है, ताकि ये भी हमारे जो चिकित्सक नए साथी उनको इसका नॉलेज हो जाए। तो साथियों आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और एक बार फिर मैं उन सभी साथियों से कहता हूँ कि ज़्यादा वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके जो है अपना जो है डिपॉजिट वो करवा दें, ताकि एक सभी सेंट क्वांटिटी हमारे पास में आ जाए और इस पर कार्य हम शुरू कर दें। क्योंकि अभी मैं कार्य जब तक इस पर शुरू नहीं करूँगा, जब तक मुझे सभी सेंट क्वांटिटी नहीं मिल जाती, देखो मता खपची करने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा कि 50-100 आदमियों के लिए मैं नहीं कर सकता ये। अगर आप सभी को ये इस चीज़ को आप पसंद करते हैं कि ये जो है होना चाहिए, ये बुक आनी चाहिए, तो तभी मैं जो है इस पर प्रयास करूँगा। और साथियों प्रयास तभी होगा तब मुझे सफिशेंट क्वांटिटी चाहिए, 250 से 300 के बीच में, शुरुआत में कम से कम इतना तो चाहिए ही। उसके बाद तो जैसे जैसे हमारी न्यू एज बुक आई थी उसमें भी फिर बाद में तो हमारे पास बुक ही नहीं बची है, सब उठ गई। लेकिन क्या है कि साथियों इतना खर्चा हमारे पास होना चाहिए कि हम उठा सके उसको शुरुआत में, थोड़ा सा सारा का सारा अपनी पॉकेट से जो है खर्चा भरना मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं है। तो जितना जल्दी उसके अपना अपना जो है रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा दें। राधे राधे दोस्तों।